हेलो एवरीवन, वेलकम टू आन अकेडमी जुडिशरी। दिस इज विश्वानी बंसल। सो वी आर डूइंग द रिवीजन ऑन ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी। कल के लेक्चर में हमने ऑर्डर वन, ऑर्डर टू एंड ऑर्डर फोर वी हैव डिस्कस्ड इन येस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी का लेक्चर मिस हो गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑन आन अकेडमी, सो दैट कि आपको स्पेशल फ्री क्लासेज आन अकेडमी पे ऐप पे आई कंडक्ट, जिसको कि आप फ्रीली जो है वॉच कर सकते हो। एंड उसका शेड्यूल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑर्डर सिक्स, दैट इज प्लीडिंग्स। ऑर्डर सिक्स किस चीज़ से डील करता है? दैट इज विद द प्लीडिंग्स जनरली। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्लीडिंग? प्लीडिंग जो है वो हमें रूल वन में दिया हुआ है। दिस सेज प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग का क्या मतलब है? प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग इज डिफाइंड एज प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। एंड रूल टू जो है दिस सेज कि प्लीडिंग्स टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स और नॉट एविडेंस। कि प्लीडिंग्स क्या चीज़ स्टेट करेंगी? वो मटीरियल फैक्ट्स को स्टेट करेंगी, ना कि एविडेंस को। तो प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्टा प्रोबेंडा एंड नॉट फैक्टा प्रोबेंशिया। प्लीडिंग्स क्या स्टेट करेंगी? फैक्टा प्रोबेंडा, ना कि फैक्टा प्रोबेंशिया। फैक्टा प्रोबेंडा का मतलब होता है मटीरियल फैक्ट्स एंड फैक्टा प्रोबेंशिया का मतलब होता है दैट इज एविडेंस। सो दिस इज एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन अ कंसाइज फॉर्म ऑफ द मटीरियल फैक्ट्स ऑन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज फॉर हिज क्लेम और डिफेंस एज द केस मे बी, बट नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव्ड। ना कि एविडेंस जिससे कि उनको प्रूव करना है। तो सब रूल वन ऑफ रूल टू जो है वो ले डाउन करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग। ये हमें क्या बता रहा है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग। तो जनरल प्रिंसिपल्स अगर हम देखें इस रूल से क्या एमर्ज करते हैं, दैट इज प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स एंड नॉट लॉ, एंड फैक्ट्स जो हैं वो स्टेटेड होने चाहिए, दैट शुड बी द मटेरियल फैक्ट्स। प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस, प्लीडिंग शुड बी स्टेटेड इन द कंसाइज फॉर्म। जो प्लीडिंग्स हैं वो कैसे होनी चाहिए? कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए। एवरी प्लीडिंग शैल व्हेन नेसेसिटी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। हर प्लीडिंग जो है वो पैराग्राफ्स में डिवाइड होगी, नंबर्ड कंसेक्टिवली उस पर नंबर होंगे, ईच एलिगेशन बीइंग सो फार एज इज कन्वीनियंट कंटेन्ड इन अ सेपरेट पैराग्राफ्स में होगा। डेट सम्स एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस्ड इन प्लीडिंग्स इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। तो डेट सम या नंबर्स हैं वो एक्सप्रेस होंगे प्लीडिंग्स में इन फिगर्स एज वेल एज इन वर्ड्स। तो वन इज स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स, दैट इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 16। Let's just first discuss about the striking out of pleadings that is dealt in order 16. So court जो है किसी भी stage of the proceeding पे order कर सकती है to be struck out or amended any matter in any pleading. So as a general rule, अगर हम general rule की बात करें, हर तो court क्या है, किसी भी stage of the proceeding पे order कर सकती है कि struck out करने के लिए, amend करने के लिए किसी भी matter को किसी भी pleading से जो कि unnecessary है, scandalous है, frivolous है, vexatious है, या फिर which may tend to prejudice, embarrass या delay कर देगा वो fair trial of the suit को, या फिर which is otherwise the abuse of the process of the court. So under which rule this is dealt? This is dealt under the rule 16 में इसके regarding जो है deal किया गया है। तो प्लीडिंग्स जो हैं अगर हम जर्नल रूल की बात करें, सो प्लीडिंग्स पे किसके साइन होंगे? तो दैट इज डेल्ट अंडर रूल 14 में हमें दिया हुआ है कि प्लीडिंग्स वेरीफाई कौन करेगा उन प्लीडिंग्स को, दैट इज एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। सो दिस इज द जर्नल रूल, दिस सेज कि हर प्लीडिंग पे उसकी पार्टी के और उसके प्लीडर के साइन होंगे इफ एनी। बट देयर इज अ प्रोविजो अटैच टू दिस कि अगर पार्टी जो प्लीड कर रही है अगर वो एबसेंट है किसी और फॉर एनी गुड कॉज, अगर वो साइन नहीं कर पा रही है प्लीडिंग पे, तो इट कैन बी साइन बाय एनी पर्सन। तो उसके ऊपर किसी भी पर्सन की साइन हो सकते हैं जो ड्यूली ऑथोराइज पर्सन के टू साइन द सेम एंड टू सू और टू डिफेंड ऑन दिस बिहाफ। तो हु कैन वेरीफाई द प्लीडिंग्स? दिस इज डेल्ट अंडर रूल 15। तो वेरीफाई कौन कर सकता है प्लीडिंग्स को, वो रूल 15 में दिया हुआ है। सो दिस सेज एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड। हर प्लीडिंग जो है वो वेरीफाई की जाएगी एट द फुट बाय द पार्टी। उसको कौन वेरीफाई करेगा? बाय द पार्टी और बाय वन ऑफ द पार्टीज प्लीडिंग। अगर एक पार्टी है तो वो वेरीफाई करेगी, एक से ज्यादा पार्टीज हैं तो वो वेरीफाई करेंगी, या फिर कोई और पर्सन प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है वो स्पेसिफाई करेगा बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ्स ऑफ द प्लीडिंग्स व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओन नॉलेज।
वो उसमें जो है स्पेसिफाई करेगा पर्सन कि कौन से जो पैराग्राफ्स हैं वो उनको वेरीफाई कर रहा है अपनी खुद की नॉलेज से, एंड कौन से वो कंटेंट है जिसको वेरीफाई कर रहा है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव्ड इट टू बी ट्रू. द वेरीफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट. वेरीफिकेशन कौन करेगा? वो पर्सन करेगा जो पर्सन बाय द पर्सन हु इज मेकिंग इट, एंड उसके ऊपर डेट लिखे जाएंगे एंड प्लेस लिखी जाएगी एट विच इट वॉज साइंड. तो द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शेल ऑल्सो फर्निश, उसके साथ वो एक एफिडेविट लगाएगा इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग. रूल 14A डील्स विद द एड्रेस फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस. दिस सेज एवरी प्लीडिंग, हर प्लीडिंग जब पार्टी जो है फाइल करती है, शेल बी अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट, उसमें एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म साइंड एज प्रोवाइडेड इन रूल 14 में जो प्रोवाइड किया गया रिगार्डिंग द एड्रेस ऑफ द पार्टी. पार्टी का हमेशा प्लीडिंग्स में फिर सीन कि एड्रेस लिखा जाता है. ऐसा जो एड्रेस है मे टाइम टू टाइम भी चेंज बाय लॉजिंग इन द कोर्ट. अगर एड्रेस चेंज हो गया है तो कोर्ट में चेंज करवाया जा सकता है फॉर्म जो है फिल अप करके एंड स्टेटिंग न्यू एड्रेस जो है वो स्टेट करके पार्टी का एंड अकम्पनीड बाय अ वेरीफाइंग पिटीशन. जो एड्रेस फर्निश किया गया है स्टेटमेंट में दैट इज मेड अंडर द सब रूल 1 शेल बी कॉल्ड द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी. उसको क्या कहा जाएगा? रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी. एंड शेल अंटिल ड्यूली साइंड एज एफोरसेड बी डीम्ड टू बी द एड्रेस ऑफ द पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ द सर्विस ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन द सूट और इन एनी अपील फ्रॉम एनी डिग्री और ऑर्डर देयर इन मेड एंड फॉर द पर्पजेज ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड शेल होल्ड गुड सब्जेक्ट एज एफोरसेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ द मैटर. तो दिस सेज की जो एड्रेस फर्निश किया गया है स्टेटमेंट में उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एट द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टी एंड शेल, जब तक वो चेंज नहीं होता वही जो है पार्टी का एड्रेस माना जाएगा जिसपे कि उसको जो है सर्विस ऑफ प्रोसेसेस होंगे सूट में समन सेंड होंगे और इन एनी अपील देयर फॉर मेड फॉर द एग्जीक्यूशन एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ द मैटर. अगर कोर्ट को किसी भी टाइम पे लगता है कि जो रजिस्टर्ड एड्रेस है पार्टी का वो अगर कोर्ट डिस्कवर करती है कि वो इनकम्प्लीट है, फॉल्स है या फिक्टिशियस है, तो कोर्ट किसी भी टाइम पे ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन सुओ मोटो या फिर पार्टी की एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर सकती है कि अगर वो रजिस्टर्ड एड्रेस जो है अगर वो प्लेंटिफ ने फर्निश किया है, अगर जो रजिस्टर्ड एड्रेस है जो प्लेंटिफ ने फर्निश किया है वो इनकम्प्लीट है, फॉल्स है, फिक्टिशियस है, तो कोर्ट जो है सूट पे स्टे लगा सकती है. बट अगर ऐसा डिफेंडेंट ने किया है देन हिज डिफेंस विल बी स्ट्रक आउट. तो कोर्ट उसका डिफेंस जो है वो स्ट्रक आउट कर देगी एंड ही विल बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन जैसे कि उसने कोई डिफेंस ही नहीं पुट अप किया. तो एड्रेस जो एड्रेस कोर्ट में जो है रजिस्टर जो एड्रेस फर्निश किया जाएगा स्टेटमेंट पे उसको हम रजिस्टर्ड एड्रेस कहेंगे. ये पार्टी की ड्यूटी है कि वो अपना सही एड्रेस बताए. अगर कोर्ट किसी भी टाइम पे कोर्ट डिस्कवर करती है कि ये पार्टी की एप्लीकेशन पे दूसरी पार्टी की एप्लीकेशन पे या सुओ मोटो कि जो एड्रेस दिया गया है वो इनकम्प्लीट, फॉल्स या फिक्टिशियस है, तो अगर प्लेंटिफ ने ऐसा किया है तो कोर्ट जो है सूट को स्टे कर देगी. अगर डिफेंडेंट ने ऐसा किया है तो कोर्ट उसका डिफेंस जो है वो स्ट्रक आउट कर देगी एंड उसको उसी पोजीशन पे जो है ही विल बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन जैसे कि उसने अपना कोई डिफेंस ही नहीं पुट अप किया. नेक्स्ट इज अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग. तो मटेरियल फैक्ट्स एंड नेसेसरी पार्टिकुलर्स मस्ट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग्स एंड डिसीजन जो है कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स आउटसाइड द प्लीडिंग्स. जो भी पार्टीज ने प्लीडिंग्स में लिखा है उसी के बेसिस के ऊपर जो है कोर्ट अपना डिसीजन पास करती है. तो डिसीजन कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द ग्राउंड आउटसाइड द प्लीडिंग्स. बट मेनी टाइम द पार्टी मे फाइंड इट नेसेसरी टू अमेंड हिज प्लीडिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द ट्रायल. हो सकता है कि पार्टी को नेसेसरी लगे कि वो अपने प्लीडिंग्स को जो है अमेंड करना चाहती है कि कोई फ्रेश इन्फॉर्मेशन जो है वो पार्टी को पता चली है जो अर्लियर नॉलेज में नहीं थी. तो जो ऑब्जेक्ट है इस रूल का वो ये है दैट द कोर्ट शुड ट्राई द मेरिट्स ऑफ द केसेस दैट केम बिफोर देम एंड कोर्ट्स जो है अमेंडमेंट को अलाउ कर सकता है अगर वो नेसेसरी है फॉर डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी. तो दिस इज द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग. कोर्ट किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग पे अलाउ कर सकता है ईदर पार्टी को टू ऑल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग. ऑल्टर करने के लिए या प्लीडिंग्स को अमेंड करने के लिए एंड जो ऐसी अमेंडमेंट्स हैं
शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी, किस चीज़ के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। तो कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स पे अलाउ कर सकता है ईदर पार्टी को कि वो ऑल्टर करे या अमेंड करे प्लीडिंग्स को, एंड जो ऐसी अमेंडमेंट्स हैं वो नेसेसरी होंगी किस चीज़ के लिए, मगर ऐसी अमेंडमेंट्स कोर्ट तभी अलाउ करेगा अगर वो ज़रूरी हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टी। दिस सेज दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड, कोई भी एप्लीकेशन अमेंडमेंट के लिए अलाउ नहीं की जाएगी आफ्टर दैट ट्रायल हैज़ कमेंस्ड अनलेस द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन, अनलेस के कोर्ट को इस कंक्लूजन पे आए कि इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलीजेंस ऑल्सो द पार्टी कुड नॉट हैव रेज द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। तो दिस सेज दैट कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अलाउ नहीं की जाएगी आफ्टर द ट्रायल हैज़ कमेंस्ड, अगर एक बार ट्रायल कमेंस हो गया है, अनलेस के कोर्ट इस कंक्लूजन पे आए कि पार्टी क्लियर करने के बाद भी पार्टी जो है नहीं रेज कर पाई इस मैटर को बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। तो अमेंडमेंट्स, एक अभी पंजाब डीडीए का एग्ज़ाम हुआ था 18th को, तो उसमें भी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स के रिगार्डिंग जो है इक्वेशन आया था, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है। सो व्हाट इज मेंट बाय दिस, लीव टू अमेंड जो है दैट मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, उसको किसी भी स्टेज पर ग्रांट किया जा सकता है। एज सच अमेंडमेंट एप्लीकेशन आर नॉट गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, that means it may be granted before or after the trial, in first appeal, in second appeal, or in revision, or in the supreme court, or even in the execution proceedings, but condition kya hai ki jo decree hai wo legal, lawful and enforceable honi chahiye. So isko jo hai kisi bhi time pe grant kiya ja sakta hai, before or at or after the trial, first appeal, second appeal pe, revision pe, supreme court pe, or even in the execution proceedings. अगर पार्टी, अगर कोर्ट ने अलाउ कर दिया पार्टी को अमेंड करने के लिए एंड पार्टी ने जो है ऑर्डर ऑब्टेन कर लिया एंड बट उसने स्टिल अमेंड नहीं किया, इफ अ पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन द ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंगली जो भी कोर्ट ने टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया है, अगर कोर्ट ने कोई टाइम पीरियड नहीं प्रिस्क्राइब किया है, तो अगर पार्टी ने विद इन 14 days नहीं अमेंडमेंट की तो कोर्ट परमिट नहीं करेगी उसके बाद तो उसको अमेंड करने के लिए आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेड पीरियड और ऑफ सच 14 days, अनलेस की जो टाइम है कोर्ट वो एक्सटेंड ना कर दे। द पार्टी शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द लिमिटेड टाइम और ऑफ सच 14 days एज द केस मे बी, अनलेस द टाइम इज एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट, अनलेस की कोर्ट जो है टाइम को एक्सटेंड ना करे। सो दिस इज द रिगार्डिंग प्लीडिंग दैट इज डेल्ट अंडर ऑर्डर 6। ऑर्डर 7 डील्स विद प्लीड। तो प्लेंट क्या है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। प्लेंट क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है, एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रेजेंटेशन है जिस ऑफ विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। तो एवरी सिविल सूट कमेंसेस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट एंड एवरी इफेक्ट इन द प्लेंट इज टू बी प्रूव्ड बाय द एफिडेविट दैट इज गिवन इन सेक्शन 26। एंड हर प्लेंट कैसे फाइल होगी, डुप्लीकेट में फाइल होगी, दैट वी हैव रेड अंडर ऑर्डर 4 में जो मैंने आपको कल पढ़ाया था। So what are the particulars जो प्लेंट कंटेन करेगी, there are certain particulars that should be written in the plaint, कौन कौन से, the name of the court जिसमें की suit brought किया गया है, the name, description and place of residence of the plaintiff, the name, description and place of residence of the defendant, where the plaintiff or defendant जहाँ पे minor है या person of unsound mind है, statement to that effect, facts constituting the cause of action and when it arose, the facts showing that the court has jurisdiction, the relief which the plaintiff claims, वेर द प्लेंटिफ हैज अलाउड अ सेट ऑफ, जहाँ पे प्लेंटिफ ने एक सेट ऑफ अलाउ कर दिया है या रिलिंक्विश कर दिया है एक पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, द अमाउंट सो अलाउड और रिलिंक्विश्ड एंड अ स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पसेज ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ कोर्ट फी एज फार एज द केस सबमिट। सो दीज आर द पर्टिकुलर्स दैट शुड बी रिटन इन द प्लेंट। जहाँ पे अगर प्लेन जो है वो सीक कर या रिकवरी ऑफ मनी के लिए प्लेन फाइल की गई है तो प्लेंट में प्रिसाइज अमाउंट लिखा जाएगा कि कितना क्लेम किया गया है। अगर कोई भी प्लेंट जो है वो मनी के लिए है, रिकवरी ऑफ मनी के लिए, तो उसमें जो है प्रिसाइज अमाउंट लिखा जाएगा कि पार्टी ने क्या क्लेम किया, वेदर दैट इज क्लेमिंग 50,000, 1 lakh, 2 lakh, तो स्पेसिफिकली अमाउंट विल बी रिटन इन दैट।
बट अगर प्लेंटिफ ने सू किया है मीन्स प्रॉफिट के लिए, दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 212 में, ये डिफाइन किया हुआ है ठीक है, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 12 में दिस इज डिफाइंड कि अगर कोई भी प्रॉफिट डिराइव करता है फ्रॉम द रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स प्रॉफिट। और फॉर एन अमाउंट अगर प्लेंटिफ ने सू किया है मीन्स प्रॉफिट के लिए और किसी भी अमाउंट के लिए विच विल बी ड्यू टू हिम ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट्स बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट, जो कि ड्यू है उसके ऊपर ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट्स उसके बीच में या डिफेंडेंट के बीच में, तो वहाँ पे जो है ही कैन नॉट आफ्टर एस्टिमेट द प्लेंट, अगर वहाँ पे वो प्रिसाइज अमाउंट नहीं लिख सकता है तो प्लेंट में अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिखा जाएगा या फिर वैल्यू जिसके लिए सू किया गया है। तो अगर तो रिकवरी ऑफ मनी के लिए है तो वहाँ पे तो प्रिसाइज अमाउंट लिखा जाएगा, अगर प्लेंटिव सू कर रहा है मीन्स प्रॉफिट के लिए या फिर किसी भी अमाउंट के लिए जो ड्यू है ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट्स, तो वहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट लिख सकते हैं। तो वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो प्लेंट में डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी प्रॉपर्टी की जो कि सफिशियंट हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। नंबर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर देयर, तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सो उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी स्पेसिफाइड एंड इन केसेस सच प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड, अगर ऐसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय बाउंड्रीज और नंबर्स इन रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट और सर्वे, तो प्लेंट में स्पेसिफाई की जाएंगी ऐसी बाउंड्रीज और नंबर। जो रूल 6 है दिस डील्स विद ग्राउंड्स ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। तो व्हेन वी रीड लिमिटेशन एक्ट, उसमें जो आपको कंडोनेशन ऑफ डिले दिया हुआ है वो किस चीज़ से डील करता है, दैट डील्स विद, अगर आप कंडोनेशन ऑफ डिले वहाँ पे पढ़ोगे सेक्शन 5 में, दैट डील्स विद एनी अपील, वो सूट पे नहीं अप्लाई करता है। तो अगर सूट में आपको एग्जाम्पशन लेनी है तो वो फिर सीपीसी में दी हुई है, दिस इज वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, अगर सूट इंस्टीट्यूट किया गया आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया गया है लॉ ऑफ लिमिटेशन में, तो प्लेंट शेल शो द ग्राउंड, प्लेंट में आप ग्राउंड शो करोगे कि इसके बेसिस के ऊपर आप एग्जाम्पशन मांग रहे हो फ्रॉम सच लॉ इज क्लेम्ड, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में परमिट, कोर्ट जो है परमिट कर सकता है प्लेंटिव को टू क्लेम एग्जाम्पशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑन एनी ग्राउंड नॉट सेट आउट इन प्लेंट, किसी भी ग्राउंड के ऊपर जो प्लेंट में सेट आउट नहीं किया गया है, अगर ऐसा ग्राउंड जो है वो इनकंसिस्टेंट है विद द ग्राउंड सेट आउट इन द प्लेंट, इफ सच ग्राउंड इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द ग्राउंड सेट आउट इन द प्लेंट, तो रिलीफ हमेशा प्लेंट में स्पेसिफिकली स्टेट किया जाएगा, एवरी प्लेंट शेल स्टेट स्पेसिफिकली, जो भी प्लेंटिफ ने रिलीफ जो है वो कोर्ट से क्लेम किए गए हैं दैट शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड इन दैट। तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, अगर कोर्ट प्लेंट को एडमिट कर लेती है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, तो वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स की समन्स टू बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5, इट विल डायरेक्ट द प्लेंटिफ टू प्रेजेंट एज मेनी कॉपीज ऑफ द प्लेंट ऑन प्लेन पेपर एज देयर आर डिफेंडेंट्स विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर अलॉन्ग विद द रिक्विजाइट फी ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिफेंडेंट। तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, अगर कोर्ट ने प्लेंट को एडमिट कर लिया, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर देगी किसको, डायरेक्ट करेगी वो प्लेंटिफ को कि उतनी कॉपीज कोर्ट में जो है प्रेजेंट करे जितने डिफेंडेंट्स है, so that the summons can be served to the defendants according to the order 5 rule 9 में जो हमें दिए हैं modes के किस किन modes के through जो है summons serve हो सकते हैं, साथ में उसको fee deposit करवानी होगी जितनी भी लगेगी for service of summons on the defendant। rule 10 deals with return of plaint, तो court किसी भी stage पे return कर सकता है plaint को, ठीक है, अगर वो प्लेंट जो है सही कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया गया है, देन द कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट टू बी टू फॉर प्रेजेंटिंग देम टू द प्रॉपर कोर्ट। नेक्स्ट इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कोर्ट जो है प्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है कुछ ग्राउंड्स के ऊपर, दैट इज डेल्ट अंडर रूल 11 ऑफ ऑर्डर 7। सो द प्लेंट शेल बी रिजेक्टेड इन सर्टेन केसेस, कौन से केसेस में, अगर वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कॉज ऑफ एक्शन को, वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, अगर जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो अंडर वैल्यूड है एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्स टू डू सो,
अगर प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं डिस्क्लोज हुआ तो कोर्ट जो है वो डिसीजन ही नहीं दे सकती है, एंड द कोर्ट विल रिजेक्ट द प्लेंट। अगर जो रिलीफ क्लेम किया गया है कोर्ट में वो अंडर वैल्यूड है, उसकी वैल्यूएशन सही नहीं है, एंड ऑन बींग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट की करेक्ट द वैल्यूएशन, वो फेल हो जाता है। वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड, अगर जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो प्रॉपरली वैल्यूड है बट द प्लेंट इज रिटर्न्ड, प्लेंट जो है वो रिटर्न कर दी है कोर्ट ने क्योंकि वो इनसफिशियंट पेपर स्टैम्प्ड पेपर के ऊपर जो है की गई है, द प्लेंट इज रिटर्न्ड अपॉन पेपर इनसफिशियंटली स्टैम्प्ड है एंड द प्लेंटिफ ऑन बींग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट, एंड कोर्ट ने जो है उसको सही करने के लिए बोला, टाइम फिक्स दिया कोर्ट को कि इतने टाइम में आप इसको सही कर लो, बट वो फेल कर गए। वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट, जो सूट है अगर जो स्टेटमेंट प्लेंटिफ ने प्लेंट में दी है कि ये बार्ड बाय एनी लॉ है, दैट मीन्स कि कोई भी लॉ हो सकता है, लिमिटेशन एक्ट, इवन अंडर सीपीसी, दैट कैन बी अंडर एनी लॉ, इफ दैट इज बार्ड देन द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट। वी नो दैट ऑर्डर 4 में हमें दिया हुआ है कि प्लेंट जो है वो डुप्लीकेट में फाइल होगी, अगर प्लेंट को डुप्लीकेट में नहीं फाइल किया गया है देन दैट कैन बी रिजेक्टेड। अगर वो फेल कर गया टू कम्प्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9, दैट मीन्स कि प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग द प्लेंट, प्लेंट एडमिट होने पे क्या प्रोसीजर था कि प्लेंटिफ को कोर्ट में उतनी कॉपी सप्लाई करनी होगी प्लेंट की जितने डिफेंडेंट्स हैं, प्लस उसको जो है फी डिपॉजिट करनी होगी। इफ ही फेल्स टू डू ऑल दिस देन द कोर्ट हैज द पावर दैट द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट। सो दीज आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक वंस अगेन, where it does not disclose a cause of action, where the relief claimed is undervalued, where it is proper valued but it is returned upon paper insufficiently stamped, agar jo suit claim kiya gaya hai that is barred by any law, not filed in duplicate, where it fails to comply with the provisions of rule 9. So agar court ne plaint ko reject kar diya, whether fresh suit can be filed on the same cause of action? So once the court has rejected the plaint, kya fresh suit file kiya ja sakta hai on the same cause of action? So the rejection of the plaint on any of the grounds, rejection plaint ka jo humne grounds rule 11 mein padhe, agar unme se kisi bhi ground ke basis ke upar plaint reject hoti hai, then the plaintiff has the power to file a fresh suit on the same cause of action. Plaintiff jo hai fresh suit file kar sakta hai same cause of action pe, he is not prohibited under rule 13. So what this says the rejection of the plaint on any of the grounds herein before mentioned shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action. जहाँ पे plaint reject की गई है तो judge record करेगा order को to the effect with the reasons for the rejection of the plaint. So before we discuss further, there is an important announcement, learners. Rapid revision batch for UP and Chhattisgarh Judiciary has started yesterday only. अगर आपको ये batch join करना है तो आप आज में subscription ले लेना. This offer is valid only till today. That is if you take the subscription, ये batch सिर्फ आप इतने में join कर सकते हो. Otherwise, जो actual cost है इसकी, that is 24K approx. You can save approximately 6,000 rupees on this. सो दिस इज़ दैट यू कैन सी द ऑफर. ठीक है, आप कितने पैसे सेव कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया तो आप कुछ और नहीं वॉच कर सकते. तो जब तक आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, यू कैन वॉच एनी थिंग ऑन अनअकैडमी. साथ में आपको ये सारी टेस्ट सीरीज अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, मेजर लॉज के ऊपर, प्रीलिम्स के ऊपर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट. सो अकॉर्डिंग टू द सब्सक्रिप्शन प्लान दैट यू टेक, दिस इज अनदर बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 27th of December. So this is one of the another batch that has started on 17th of December for the UP prelims batch. So avail this opportunity before it ends. Next is procedure, production of document on which the plaintiff sues or relies. So where the plaintiff sues upon document, agar plaintiff kisi bhi document pe sue karta hai ya kisi bhi document pe rely karta hai jo uske possession mein hai ya power mein hai in support of his claim, ही शेल एंटर सच डॉक्यूमेंट्स इन अ लिस्ट. वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को एक लिस्ट में एंटर करेगा एंड वो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड बाय हिम, एंड शेल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट. एट सेम टाइम पे उस डॉक्यूमेंट को डिलीवर करेगा एंड उसकी कॉपी को टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट. वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजेशन, जहाँ पे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पोजेशन या पावर में नहीं है प्लेंटिव की,
ही शेल वेयर एवर पॉसिबल स्टेट इन हूज पोजिशन और पावर इट इज़। तो वो पॉसिबली स्टेट करेगा कि किसकी पोजिशन या पावर में है। प्लेंटिफ जो सू कर रहा है किसी भी डॉक्यूमेंट पे या रिलाई कर रहा है जो उसके पोजेशन या पावर में है, वो एंटर करेगा उस डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट में एंड उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा। कब? जब वो प्लेंट कोर्ट में प्रेजेंट करता है एंड साथ के साथ वो डिलीवर करेगा उस डॉक्यूमेंट को एंड उसकी कॉपी को टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट। जहाँ पे ऐसा डॉक्यूमेंट उसकी पोजेशन या पावर में नहीं है, वो पॉसिबली स्टेट करेगा कि किसकी पोजेशन या पावर में है। अ डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट बाय द प्लेंटिफ एंड द प्लेंटिफ इज प्रेजेंटेड, या फिर अगर वो एंटर करना चाहिए था लिस्ट में, अनेक्स करना चाहिए था, पर उसने नहीं ऐसा किया, तो बाद में उसको वो एज एविडेंस जो है रिसीव नहीं कर सकता ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट। बिना कोर्ट की परमिशन के वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसको करना है तो उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई टू ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेसेस और हैंडेड ओवर टू अ विटनेस मियरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। इस रूल में जो भी लिखा हुआ है वो अप्लाई नहीं करेगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है प्लेंटिफ को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए विटनेसेस को, या और इट इज हैंडेड ओवर टू अ विटनेस मियरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, देन वहाँ पे परमिशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर उसने स्टार्टिंग में नहीं वो अनेक्स किया है, नहीं वो कोर्ट में बताया, तो बाद में वो उसको यूज नहीं कर सकता एविडेंस में ऑन हिज बिहाफ एट द हियरिंग ऑफ द सूट। So this is regarding order 7. Next is order 8. So order 8 किस चीज से डील करता है? Order 8 deals with the written statement, set off and counterclaim. So what is the stages of a civil suit? सबसे पहले किसी भी सिविल सूट में प्लेंट फाइल होती है, उसके बाद summons are sent to the defendant, उसके बाद जो है written statement फाइल होती है। तो written statement जो है कौन फाइल करता है? That is filed by the defendant. तो डिफेंडेंट जो है वो कितने डेज में उसको रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल करनी होती है? द डिफेंडेंट हैज़ टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम, प्रेजेंट अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। तो रिटर्न स्टेटमेंट को कहीं भी सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। इट इज़ अ टर्म ऑफ स्पेसिफिक कॉनोटेशन सिग्निफाइंग, इसका रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ रिप्लाई ऑफ द प्लेंट जो कि डिफेंडेंट देता है। ये एक रिप्लाई होता है प्लेंट का, जिसमें डिफेंडेंट जो भी प्लेंटिफ ने प्लेंट में लिखा है उसका रिप्लाई देता है, प्लस ही रेजेस द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, जो भी उसको ऑब्जेक्शंस है वो रेज करता है वो उसमें, एंड ऑल्सो स्टेट्स, एंड वो साथ में जो है कोई भी नए फैक्ट जो है वो स्टेट करता है अपने फेवर में, या लीगल ऑब्जेक्शंस लेता है अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट। एक रिटन स्टेटमेंट जो है वो केयरफुली ड्राफ्ट होनी चाहिए, सो दैट कि ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी डेल्ट जो भी प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में लिखा है। तो प्लेंट जो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो 30 डेज में फाइल होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन। अगर डिफेंडेंट फेल हो गया, उसने 30 डेज में जो है नहीं सबमिट करवाई रिटर्न स्टेटमेंट, देन ही शैल बी अलाउड टू फाइल द सेम एज मे बी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर कोई स्पेसिफिक रीजंस है टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कोर्ट जो है उसको अलाउ करेगा कि आप विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन, कि आप 90 दिन तक, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन जो है आप उस रिटर्न स्टेटमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। कि जो ये 90 डेज है, दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय द कोर्ट बिकॉज सीपीसी इज ए प्रोसीजरल लॉ, दिस इज टू प्रोवाइड द जस्टिस टू द पार्टी। अगर वो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग है एंड देर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, देन द कोर्ट कैन ऑल्सो अलाउ बियॉन्ड 90 डेज भी कोर्ट अलाउ कर सकता है। दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ स्लीम बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज इन द केस ऑफ नॉन कमर्शियल सूट्स। अगर कमर्शियल सूट्स की बात करें तो वहाँ पे जो है मैक्सिमम 120 डेज के अंडर जो है डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करवानी होगी। उसके बियॉन्ड जो है ये राइट जो है वो फोरफिट हो जाएगा। इसके बियॉन्ड द कोर्ट विल नॉट अलाउ द रिटर्न स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड। इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच द रिलीफ इज क्लेम्ड और रिलाइड अपॉन बाय हिम। सिमिलरली एज वी हैव स्टडीड अंडर ऑर्डर 7, दिस इज ऑल्सो फॉर द डिफेंडेंट ऑल्सो। कि अगर डिफेंडेंट अपना डिफेंस किसी डॉक्यूमेंट पे बेस कर रहा है, या वो किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहा है जो उसकी पोजेशन या पावर में है,
in support of his defense or claim for setup or counter claim, he shall enter such document in a list. उसको ऐसा document जो है एक list में enter करना होगा and उसको court में produce करना होगा. कब? जब रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है. लाइक वी हैव सीन प्लेन, जब कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है तो प्लेंटिफ को साथ में डॉक्यूमेंट्स भी बताने होंगे. तो शेल एट द सेम टाइम वो जो है डिलीवर करेगा डॉक्यूमेंट को या कॉपी को टू बी फाइल विद द रिटर्न स्टेटमेंट. तो अगर वो डॉक्यूमेंट उसकी पोजेशन या पावर में नहीं है तो वो स्टेट करेगा कि वो किसकी पोजेशन या पावर में है. अगर उसने वो डॉक्यूमेंट उसको कोर्ट में उसने नहीं मेंशन किया एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, तो बाद में उसको एविडेंस में वो रिसीव नहीं कर सकता है. अगर उसको ऐसा करना है देन ही हैज़ टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट. सेम दैट वी हैव स्टार्टेड अंडर ऑर्डर 7, नथिंग इन दिस रूल, यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं करता है टू डॉक्यूमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस और हैंडेड ओवर टू ए विटनेस मियरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी. इफ दैट इज हैंडेड ओवर टू ए विटनेस मियरली किस चीज़ के लिए? टू रिफ्रेश हिज मेमोरी. अगर डिफेंडेंट कोई नया फैक्ट रेज करना चाहता है देन दैट शुड बी स्पेसिफिकली प्लीडेड इन द प्लीड. तो डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग्स ऑल द मैटर्स. उसको सारे मैटर्स रेज करने होंगे विच शो कि सूट जो है मेंटेनेबल नहीं है, जिसके भी बेसिस के ऊपर वो कोई भी फैक्ट स्टेट करना चाहता है उसको स्पेसिफिकली वो रेज करना होगा. अगर वो डिनाइल करना चाहता है जो भी प्लेंटिफ ने प्लेंट में अपनी प्लेंट में लिखा है, तो उसको स्पेसिफिक डिनाइल करना होगा कि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ. आई शेल नॉट बी, इट शेल नॉट बी सफिशियंट फॉर अ डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जर्नली द ग्राउंड्स अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ, बट द डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली विद ईच एलिगेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ विच ही डज नॉट एडमिट द ट्रूथ एक्सेप्ट डैमेजेस. जो डिनाइल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, इवेसिव डिनाइल नहीं होना है. वे आर डिफेंडेंट डिनाइज एन एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट, ही मस्ट not do so evasively but answer the point of substance. Thus, if it is less that he received a certain amount of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum or any part thereof, or else set out how much he received. For example, agar plaintiff ne apni plaint mein likha hai that defendant had received from him 50,000 rupees, then he must deny it in his written statement that he has not taken 50,000 rupees from the plaintiff. Or else, if he has taken 10,000, then he must deny specifically, उसको लिखना होगा that he has taken 10,000 only rupees from the plaintiff and not for total 50,000 rupees. तो उसको specifically ये चीज़ों के साथ deal करना होगा, जो उसका denial है वो evasive नहीं होना चाहिए. Every allegation of effect in the plaint, अगर उसने specifically नहीं deny किया या necessary implication से नहीं deny किया और stated to be admitted not to be admitted in the pleadings of the defendant, तो उसको court, तो उसको क्या माना जाएगा कि उसने वो fact जो है admit कर लिया है, except अगर कोई भी that is a person under disability. तो एक होता है set off, एक होता है counter claim. Set off is dealt in rule 6 and counter claim is dealt under rule 6A. ठीक है, रूल 6A टू 6G में काउंटर क्लेम डील किया गया. सो दिस विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर लर्नर्स. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड द लेक्चर हियर ओनली. सो कल के लेक्चर में हम फर्दर ऑर्डर्स डिस्कस करेंगे. यू कैन फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल दैट इज अन अकेडमी विश्वानी जुडिशरी. लिंक जो है उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच लर्नर्स, आई एम एंडिंग द क्लास हियर ओनली.